जब कोई बड़ा होता है तब उससे रिश्ते बनाते हैं। तवज्जो, ये इंसान की फितरत है कि जब कोई बड़ा होता है तो छोटा रिश्ते बनाता है। दो ही बड़े हैं अली से, या तो अल्लाह या मोहम्मद। तीसरा कोई बड़ा है ही नहीं, या तो उससे बड़ा मोहम्मद है या उससे बड़ा अल्लाह है। मुंबई के मलाड स्थित में गायक समाज के लोगों ने मौलाना हुसैन की महफिल को डॉक्टर शहनवाज अली ने आयोजित किया। यहां सभी गायकों ने अपनी मधुर आवाज से इमाम हुसैन को नात और मसीहा के माध्यम से याद किया। यहां अलामा फरीद अहमद ने इमाम हुसैन की इतिहास को लोगों के सामने अपने अंदाज में बयां किया। ये इंसान की फितरत है कि जब कोई बड़ा होता है तो छोटा रिश्ते बनाता है। दो ही बड़े हैं अली से, या तो अल्लाह या मोहम्मद। और तीसरा कोई बड़ा है ही नहीं, या तो उससे बड़ा मोहम्मद है या उससे बड़ा अल्लाह है। ये दोनों उससे बड़े हैं, अली इन दोनों से छोटा है। अल्लाह कहते हैं ये यदुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये सामना है, ये मेरी जुबान है, ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है। और अगर रसूल कहे तो कहता है मन कुंतु मौला रहमका नहमी दमका। डॉक्टर साहब, ये जो मुहर्रम है इसमें किस तरह से मुसलमान समुदाय जो इसको मनाता है, और इसकी क्या वजह है जो इतने लोग जमा होकर और अपने इमाम को याद करते हैं? इसकी ख़ास वजह यह है कि थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा कि ठीक इससे 20 दिन पहले अभी बकरीद गई है, उसमें एक हमारे नबी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे को वो अपने बेटे को ले गए थे कत्ल करने के लिए और वो बच गए थे। तो इस खुशी में हम लोग बकरीद मनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है कुर्बान करते हैं। लेकिन ये जो महीना है 20 दिन के बाद जो है ये मुहर्रमुल हराम आता है, इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानवादे को कत्ल किया गया और उन पर जुल्म सितम ढाया गया, जिस वजह से हम गम मनाते हैं। ये 10 दिन हमारे बड़े गम के होते हैं। ये हक और झूठ की लड़ाई थी जिसमें हक को कुर्बानी देनी पड़ी। तो उसके बाद क्या? उसके बाद आप देखते हैं आज सभी जगह हुसैन का नाम जिंदा है और जिन्होंने ये काम किया था उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। सर, क्या वजह है मुहर्रम जो इस तरह से लोग मनाते हैं, क्या है आखिरकार मुहर्रम और क्यों मनाते हैं? मुहर्रमुल हराम दरअसल में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नबी के नवासे लाडले अली के बेटे, उन्होंने एक अमन का परचम बुलंद किया। यजीद के जुल्म व सितम से लोग तृप्त थे, हर तरफ जुल्म था, बर्बरियत थी, इस्लाम को मिटाया जा रहा था। अगर उस टाइम पे हुसैन अपने बच्चों को लेकर ये कुर्बानी ना देते तो इस्लाम का नाम ज़िंदा ना रहता। हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ ये आवाज़ है जो हर साल उठती रहेगी। जब तक इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होता तब तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद ही इसका इख्तिताम होगा, ताकि बदला लिया जाए उन जालिमों से जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत अंजाम दी थी आज से 1448 साल पहले।